सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, तन्नू घर आ चुकी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो तन्नू के जो भी फैंस हैं इसमें कुछ दो चार फैंस हैं तन्नू के, तो तन्नू भी आ गई आज, तो अब तन्नू भी व्लॉग मान लग जाएगी। तो तन्नू, आपको कुछ कहना है अपने फैंस से तो आप कह सकते हो। वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, हो गया और कुछ नहीं कहूंगी। जो लोग घूमने जानेंगे, मम्मी जी हमारे यहाँ पानी लेके आ रही है। देख लो संघर्ष, देखो संघर्ष है। सो गाइस, आज घर में पानी नहीं आया तो हमें घूमने भी नहीं जा सकते। हम पानी भर रहे हैं यहाँ पे। और ये भी आई है और इसके नाक में ना वो हो गया है मतलब रात में मेहंदी में गई थी तो हाथ में लगाने की बजाय नाक में लगा के आ गई, तो अभी इसने धोया तो लाल लाल हो गई है नाक, दिखा नहीं रही है। दिखाइए। अच्छा, नाक लाल हो गई है। थोड़ी सी दिखा, ये देखो तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी। चट्टो नहीं खड़ा है ना, खड़ा है अभी तो सब जा रहे हैं। अभी हम आए हैं सर्विसिंग कराने अपनी बाइक की, तो फिलहाल अभी हम सर्विसिंग सेंटर पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमारा प्लान तो है हनुमान मंदिर जाने का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। गाइस, हम अभी राधा कृष्ण मंदिर आ चुके हैं। अभी तो गेट बंद लग रहा है हनुमान गुफा में, तो वहाँ पे तो सर्कल लगा हुआ है, लेकिन अब हम आगे को आए थे यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर है। अभी फिलहाल के लिए ही देख लेते हैं, तो आपको भी दिखाएंगे। एक्चुअली हम हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी की गुफा में आना चाह रहे थे, लेकिन वो बंद पड़ा है अभी सर्कल, तो अभी हम सोच रहे हैं कि राधा कृष्ण के मंदिर ही घूम लेते हैं। तो गाइस, फिलहाल मैं आया हूँ राधा कृष्ण मंदिर, बरेली रोड पर पड़ता है, हल्द्वानी किसी को भी आना हो। तो हमारे तिलक लग चुका है और आपको हम मंदिर दिखाते हैं और यहाँ की टाइमिंग्स क्या क्या है अगर कभी आपको आना हो तो। टाइमिंग है यहाँ पे, सुबह मंगल आरती है, साथ ही इस पर श्रृंगार आरती है, ऐसी बहुत सारी आरतियाँ हैं एक्चुअली। और ये है राधा कृष्ण जी का दरबार। ये है हनुमान जी का पंच मंदिर। दोस्तों, बात ऐसी है कि
कि अभी आपको हम बजरंग गुफा का एंट्रेंस दिखा देते हैं क्योंकि अभी तो बंद है, शाम को खुलता है कह रहे हैं, तो मैं अभी अंदर तो दिखा नहीं सकता फिलहाल। आपको एंट्रेंस दिखा देता हूँ, कितना तगड़ा एंट्रेंस है यहाँ पे। तो ये है हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, और यहाँ से अंदर जाते हैं। ये एक गुफा है, देखो लिखा भी है श्री बजरंग गुफा, तो अभी फिलहाल ये बंद पड़ी है। फिलहाल हमने छोले भटूरे ऑर्डर कर रखे हैं, अभी हम छोले भटूरे खाएंगे। तो गाइस खा पी के हम घर पहुंच चुके हैं, तो अभी हम घर पहुंचने वाले हैं। छोड़ी छोड़ी थोड़ी सी खाई उसने से, लग गया ठंडा। हाँ सही कह रहे हो तुम, वहाँ बैठे बैठे कहाँ पर रहा था, कहाँ पे था मंदिर, पता चला ठंडा क्या होता है। मम्मी अलग ही बेटा, तभी कह रही थी कपड़े पहन ले जा कर। लो भाई प्रसाद। तो अभी यहाँ पे नींबू साने जा रहा है आंटी जी के द्वारा। नवल को ना ठंडे का पता ही नहीं है कि ठंडा कैसे लगता है। गाइस मम्मी की तैयारी चल रही है यहाँ पे महिला संगीत में जाने के लिए। सही हो गया बढ़िया, बादल मड़ो गांव में ऐसे हो ही बात पे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एक महिला संगीत में अटेंड करने, ऐसे तो है महिलाओं का संगीत मगर जेंट्स भी अलाउड है वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वर्षा वहीं पे होगी, तन्नु भी वहीं होगी। महिला संगीत में ऐसा होता है, महिलाएं संगीत करती है जितनी भी होती है, बाकी हमारा खाने का काम है। इसको तो हमेशा खाने की बड़ी रहती है दोस्तों। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि वर्षा वहीं होगी, तन्नु वहीं होगी, सब लोग वहीं मिलने वाले हैं, सब वहीं गए हुए हैं, तो मिलते सीधे शादी में। चाचा लोग शादी में एंट्री मार रहे हैं, अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसलिए बैठने जा रहे हैं, वरना सीधे खाने में अटैक कर दे। अटैक गोल गोल घूमता हुआ यार ऊपर, गोल गोल इससे ज्यादा मेरे हाथ ही पहुंचेगा। चल आ जा, अब तो हो गया ये सब ना, चल भाई आ जा। कुन्नू की प्लेट है, वर्षा की प्लेट, प्लेट वहाँ थोड़ा दूर से दिखाया कर। ये उसने खा ली पहले, जेब में रख दिया। मेड बाय कुन्नू, मेड बर्गर, शादी मेड बर्गर। कैसा बना इसके मुझे ऐसा देखियो, ठीक हो रहा है। तो रात हो चुकी है, तो इस वीडियो को हम यही एंड करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।